मसल फाइबर में दूसरा नाम लिखा था इसका क्या, मसल क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हुआ, इसका मतलब हाइपरट्रॉफी हुई। सिंपल, हाइपरट्रॉफी में क्या बोलते हैं, व्हेन द साइज ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ मसल क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इंक्रीमेंट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज नोन एज हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल। हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल का मतलब है जब ट्रेनिंग के बाद, कौन सी ट्रेनिंग, अब ये जरूरी है, वेट ट्रेनिंग, ना कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग से ही हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल, मसल का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है। तो ये आपने ध्यान रखना, हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल वेट ट्रेनिंग से आएगी, एरोबिक एनोरोबिक ट्रेनिंग से आएगी, या क्लाइमेटिक ट्रेनिंग से आएगी, लेकिन हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल एंड्योरेंस ट्रेनिंग से नहीं आएगी, क्योंकि एंड्योरेंस ट्रेनिंग आपके रेड मसल फाइबर को ज्यादा डेवलप करती है, और जो हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल है ये आपके ज्यादा से ज्यादा व्हाइट मसल फाइबर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल क्या हुआ, अगर हाइपरट्रॉफी खाली शब्द आ गया, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है कुछ, अब यहाँ पे मसल बोला गया है, तो एन इंक्रीज इन थिकनेस मतलब साइज ऑफ इंडिविजुअल मसल फाइबर इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल। और हाइपरट्रॉफी दो टाइप की होती है, पहली होती है ट्रांजिएंट एंड दूसरी होती है क्रॉनिक। ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी क्या होता है, इसे एक्यूट हाइपरट्रॉफी भी बोल सकते हैं, एक्यूट। और ये होता है क्या है, इज द पंपिंग ऑफ मसल दैट हैपेंस ड्यूरिंग ए सिंगल एक्सरसाइज बाउट। मैंने एक दो तीन दिन पहले बताया था, आज आप जिम गए पहले दिन और आपने खूब डंबल लगा लिए 200-200, उसके बाद क्या हुआ, आपने हाथ पकड़ के देखा आपके हाथ टाइट हो गए, सुबह आप उठे देखा हाथ पुरानी स्थिति में आ गए, उस कंडीशन में आपके मसल का मसल फाइबर का ना तो थिकनेस या साइज इंक्रीज नहीं हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है, साइज उसका इंक्रीज नहीं हुआ है। क्या हुआ है, वहां पर उसके अंदर एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूड, फ्लूड कहीं भी भर जाना आपकी सेल्स या टिश्यूज में, उसे बोलते हैं एडिमा। आपके अगर फेफड़ों में पानी भर गया उसे बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। तो फ्लूड ज्यादा एक्युमुलेट हो जाता है मसल फाइबर के अंदर, ये जो फ्लूड है उस फ्लूड की वजह से आपको लगता है आपका हाइपरट्रॉफी हो गया है, लेकिन इसे ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी कहते हैं, क्रॉनिक नहीं होती। क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी में एक्चुअली में साइज बढ़ता है, नेट पर पूछ सकता है। ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी में स्केलेटल मसल फाइबर का मसल क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी में इंक्रीज होता है। और क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी तभी आती है जब आप लॉन्ग टाइम तक उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को, वेट ट्रेनिंग को कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर मसल पे अगर टेंशन डेवलप हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वेट के साथ, तब क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी होगा। मतलब स्केलेटल मसल फाइबर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होने की वजह से उसका साइज भी इंक्रीज हो गया है। देखो, क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी रेफर्स टू द इंक्रीज इन द मसल साइज दैट अकर्स विद लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस मतलब वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोल दो या वेट ट्रेनिंग बोल दो। दिस रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द मसल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम ए इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल मसल फाइबर। मतलब यही एक्चुअल स्ट्रक्चरल चेंजेस बताता है, एक्चुअली में स्ट्रक्चरल चेंजेस मसल फाइबर में क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी की ही वजह से ही आएंगे। दूसरा वर्ड आता है फाइबर हाइपरप्लासिया या हाइपरप्लासिया ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर हाइपरप्लासिया का मतलब होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ मसल फाइबर। जब मसल फाइबर के नंबर बढ़ जाते हैं उसे बोलते हैं फाइबर, मसल फाइबर हाइपरप्लासिया। और ये किसी भी ट्रेनिंग से पॉसिबल नहीं है कि आपकी बॉडी में मसल फाइबर के संख्या को बढ़ाया जा सके, नंबर को बढ़ाया जा सके, ना किसी ट्रेनिंग से पॉसिबल है रेड से व्हाइट किया करना या व्हाइट से रेड मसल फाइबर बनाना, किसी भी ट्रेनिंग से पॉसिबल नहीं है। ये क्योंकि मसल फाइबर की जो संख्या होती है, वो जो उसके नंबर्स होते हैं, वो जेनेटिकली डिटरमाइंड रहते हैं पहले से ही, और बचपन से ही वो बन जाते हैं जितने बनने होंगे, उसके बाद आप उसके नंबर्स को नहीं बढ़ा सकते। यू कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ मसल फाइबर, यू कैन ओनली इंक्रीज द साइज ऑफ द मसल फाइबर। इंडिविजुअल मसल फाइबर हाइपरट्रॉफी फ्रॉम वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक ही बात हुई, appears to result from a net increase in the muscle protein synthesis। मतलब मसल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से, प्रोटीन तो टिश्यूज का निर्माण करता है, उसकी वजह से भी क्या होता है आपके मसल हाइपरट्रॉफी पॉसिबल होती है। दूसरा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज तो क्या है, वो है मेटाबॉलिक एडेप्टेशन। ये मैं अभी पहले भी बताया था मेटाबॉलिक एडेप्टेशन, वही सेम कि अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दे रहे हैं
तो उसके फॉस्फोग्लिटिन इंक्रीज इन फॉस्फोग्लिटिन ग्लाइकोजन स्टोर्स और एटीपी स्टोर्स ये भी इंक्रीज हो जाता है, इसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, एटीपेज एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है और एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म से ज्यादा मात्रा में एटीपी प्रोवाइड होते हैं। लेकिन एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बहुत कम मात्रा में एटीपी प्रोवाइड करता है। तो मेटाबॉलिक एडेप्टेशन इसमें लिख रखी है, जितनी मेटाबॉलिक एडेप्टेशन लिखी है ये वेट ट्रेनिंग की लिखी है। अगर हम बोले एंड्योरेंस ट्रेनिंग की मेटाबॉलिक एडेप्टेशन तो उल्टा हो जाएगा, मायोसिन एटीपेज एक्टिविटी कम हो जाएगी और जो भी एटीपी बनेंगे उस पर्टिकुलर मसल ग्रैंड मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो वो एटीपी ऑक्सीडेटिव रूप में बनेंगे, मतलब वो एटीपी या तो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से बनेंगे जैसे एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फैट मेटाबॉलिज्म से बनेंगे, वो भी ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आता है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब इफेक्ट ऑफ वेट ट्रेनिंग ने बता रखा है कि मेटाबॉलिक एडेप्टेशन क्या क्या होंगे। गेन इन स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर एंड्योरेंस, वेट ट्रेनिंग प्लायमेट्रिक ट्रेनिंग और एनोरोबिक टाइप की ट्रेनिंग की वजह से मस्कुलर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और मस्कुलर एंड्योरेंस भी बढ़ेगी, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये जो लिटरेचर लिखा है ये इफेक्ट ऑफ वेट ट्रेनिंग का बता रखा है और वेट ट्रेनिंग का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके मस्कुलर सिस्टम पे। और ये बढ़ेगा क्यों स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, पहले मसल फाइबर इतने थे तो उतनी स्ट्रेंथ जनरेट करते थे, अब इतने हो गए तो वो ज्यादा स्ट्रेंथ जनरेट करते, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मसल फाइबर। वेट ट्रेनिंग कॉजेज द फॉलोइंग इफेक्ट, वो लिखा भी हुआ है, वेट ट्रेनिंग टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंक्रीजेज विच इज एसेंशियल फॉर मसल ग्रोथ ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वेट ट्रेनिंग, द साइज ऑफ मसल फाइबर इंक्रीजेज मतलब मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, कैपिलरी डेंसिटी पर फाइबर ऑल्सो इंक्रीजेज विच कॉज मोर एनर्जी प्रोडक्शन। कैपिलरी डेंसिटी देखो इसमें भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी लेकिन ये सारी की सारी एनर्जी एनएरोबिकली प्रोड्यूस होगी। एनएरोबिकली जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो कम मात्रा में ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एक्चुअल में एटीपी प्रोड्यूस होगी, जब कम एटीपी प्रोड्यूस होंगे तो कम एनर्जी आपको देंगे ये भी आप, लेकिन ये ध्यान रखना आपने एक्टिविटी भी तो कम करनी है, आपने फोर्सफुल मूवमेंट करना है लेकिन मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसके लिए वो एनर्जी सफिशियंट है वहां पे। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इसमें बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्रीजेस क्योंकि प्रोटीन टिश्यू बढ़ाता है, ब्लड सप्लाई इन द मसल इंक्रीजेस ड्यू टू हाइपरट्रॉफी मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर एंड्योरेंस इंक्रीजेस, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बायोकेमिकल चेंजेस इन द मसल, अब देखो इसमें दोनों की चीजें आ जाएंगी, मायोग्लोबिन कंटेंट इसमें लिखा भी हुआ ड्यू टू एंड्योरेंस ट्रेनिंग, मतलब एंड्योरेंस ट्रेनिंग के बाद मायोग्लोबिन कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा मसल फाइबर में। और मायोग्लोबिन क्या है मैं बता चुका हूँ, ऑक्सीजन कैरिंग ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट है जो मसल टिश्यू में पाया जाता है और वो ऑक्सीजन को कैरी करके पर्टिकुलर सेल्स को देता है। तो जब ये ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा देगा तो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म एरोबिकली होगी, तो ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा एटीपी टूटकर एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट इंक्रीजेस, देखो फैट जब एंड्योरेंस ट्रेनिंग देने के बाद एंड्योरेंस ट्रेनिंग दी जाती है वो 30 मिनट से ऊपर एक्टिविटी होती है तो वो आपके फैट और कार्बोहाइड्रेट को भी आपके ऑक्सीडेशन को भी इंक्रीज कर देंगे। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो इंक्रीज, देखो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी इंक्रीज है, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दस मोर मस्कुलर एनर्जी इज प्रोड्यूस। लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंक्रीजेस, एंजाइम्स आर प्रोटीन कंपाउंड दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, अब इसमें मायोसिन एटीपेज एंजाइम इंक्रीज नहीं होगा, इसमें और भी तो एंजाइम्स हैं, आप जब क्रेब्स साइकिल चलाते हैं क्या होता है एंजाइम्स का काम है, सारा एंजाइम का काम है। एरोबिक मेटाबॉलिज्म में क्या है एंजाइम्स का काम है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में क्या एंजाइम्स का काम है, तो जल्दी जल्दी ज्यादा देर तक ज्यादा टाइम तक आपको केमिकल रिएक्शन को बढ़ाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेटिव रूप से आपको एटीपी प्रोवाइड होगी। अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्स इंक्रीजेस ये बता भी चुका हूं मैं वहां पे, एज ए रिजल्ट ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग इट इज एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैपिलरीज, देखो इसमें भी कैपिलरीज इंक्रीज हो रही है सराउंडिंग ईच मसल्स, क्योंकि इसमें कैपिलरीज इंक्रीज क्यों हो रही है क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई करना है, ब्लड में मायोग्लोबिन है उसने ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करके पर्टिकुलर मसल्स पे देना है। कैपिलरी अलाउ ग्रेटर एक्सचेंज, और कैपिलरी का दूसरा काम क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस हीट वेस्ट न्यूट्रिएंट्स, दूसरा वही एनएरोबिक ट्रेनिंग से
U2 देखो लिखा हुआ वेट और स्प्रिंट ट्रेनिंग, क्या क्या उससे प्रभाव पड़ेंगे? ATP सिस्टम कैपेसिटी इंक्रीजेस, सेम वेट ट्रेनिंग जैसे कुछ वेट ट्रेनिंग जैसे प्रभाव भी इसमें आएंगे यहाँ पे। इंक्रीज रिजल्ट ऑफ मोर एनर्जी प्रोड्यूस और स्पीड कॉन्ट्रेक्शन स्पीड भी बढ़ जाएगी यहाँ पर। ATP सिस्टम इज एनरोबिक एनर्जी सिस्टम इन विच ATP इज मैन्युफैक्चर्ड व्हेन PC इज ब्रेक डाउन। ये तो ATP सिस्टम की डेफिनेशन है। ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग। ग्लाइकोलाइटिक मतलब एनरोबिक ग्लाइकोलाइटिक, फास्ट ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मैंने दो टाइप की बताई थी आपको, फास्ट ग्लाइकोलाइसिस स्लो ग्लाइकोलाइसिस। फास्ट ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर ATP बनता है लेकिन ऑक्सीजन की अब्सेंस। स्लो ग्लाइकोलाइटिक मेटाबोलिज्म क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस के दो भाग थे, तो स्लो ग्लाइकोलाइसिस क्या हुआ? वही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस। तो ये फास्ट ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी आफ्टर एनोरोबिक ट्रेनिंग। ब्लड सप्लाइड इन द मसल इंक्रीजेस आफ्टर एनोरोबिक ट्रेनिंग। अब बॉडी कंपोजिशन चेंजेस। देखो वेट ट्रेनिंग से भी बॉडी शेप आती है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग से भी बॉडी शेप आती है। फैट ज्यादा से ज्यादा एंड्योरेंस ट्रेनिंग से फैट आपका रिड्यूस होता है, लेकिन वेट ट्रेनिंग से भी थोड़ा बहुत रिड्यूस होता है। अब इसमें लिखा होगा फ्री फैट फ्री वेट ऑफ मसल मास इंक्रीजेस और फैट मास डिक्रीजेस आफ्टर एंड्योरेंस ट्रेनिंग। फैट जो है आपकी एंड्योरेंस ट्रेनिंग से ज्यादा डिक्रीज होगी, क्योंकि एंड्योरेंस ट्रेनिंग में लिपिड या ट्राइग्लिसराइड या फैट वो भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो भी बर्न हो रहा है। जब वो बर्न हो रहा है इसका मतलब आपका फैट कम होगा। चेंजेस इन मसल एंड ज्वाइंट मोशन ऑल्सो टेक प्लेस। देखो जितना आप ट्रेनिंग करते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, उतना आपके ज्वाइंट का मोशन क्या होता है उसमें बदलाव आता है, उतना आपके ज्वाइंट फ्लेक्सीबल होते हैं, ज्वाइंट तगड़े हो जाते हैं, स्ट्रेंथ हो जाती है मसल्स में, ज्वाइंट में फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। एज कम्पेयर टू आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं और आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ज्वाइंट का आपके ज्वाइंट में चेंजेस आए हैं, लिगामेंट में चेंजेस आए, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी चेंज होगी। आफ्टर एंड्योरेंस ट्रेनिंग फैट टिश्यू लूजेस, फैट टिश्यू मैंने बताई दिया है। फॉर मोस्ट इंडिविजुअल वेट ट्रेनिंग प्रोड्यूस लिटिल और नो चेंजेस इन टोटल बॉडी वेट, बट द बॉडी कंपोजिशन चेंजेस कंसिडरेबली। ठीक है, ये आपका क्या खत्म हो गया, मस्कुलर सिस्टम पर ट्रेनिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मुझसे।